इतना गलत नहीं होगा कि अब हमें टी शर्ट पहनने का मन नहीं करता। 2024 में ओवरसाइज टी शर्ट, प्रिंटेड टी शर्ट इतने ज्यादा कॉमन हो गए हैं, कैजुअल वाली वाइब भी नहीं आती। वही पोलो शर्ट टी शर्ट ही है विद द कॉलर, उतने ही ज्यादा लाइट वेट, उतने ही ज्यादा कंफर्टेबल एंड लुक में बहुत ज्यादा मिनिमल, मॉडर्न एंड सेक्सी। और इस वीडियो में टोटल 10 है। पहला है हमारे हाथ में और ब्रांड का नाम है भाई इनकोर। ये ब्रांड इनविक्टस का एक सब ब्रांड है एंड डेफिनेटली हम स्टार्ट करने वाले भाई नेवी ब्लू कलर से, जो कि एक मस्ट टाइप कलर है। नॉर्मल आपको पोलो कॉलर देखने को मिल जाएगा, तो आपको बटन देखने को मिल जाएंगे, विद द ब्रांडिंग शॉर्ट स्लीव आपको देखने को मिलेगा और एंड में मिलेगा थीम। फैब्रिक काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। एग्जैक्ट अगर कॉम्पोजिशन की बात करें, यहाँ पर यूज हुआ है 60% कॉटन एंड 40% पॉलिएस्टर, मेड इन इंडिया वाला प्रोडक्ट है। हालांकि एक अजीब सी बात मुझे क्या लगी कि यूजुअली पोलो शर्ट्स के नीचे में ना साइड में कट्स होते हैं, यहाँ पर वो नहीं है। बैक की तरफ से भी पूरा प्लेन है। अंदर में आपको इनकोर बाय इनविक्टस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एम साइज हमने लिया है। सारे प्रोडक्ट के एग्जैक्ट डायमेंशन आपको स्क्रीन में फ्लैश होते हुए रहेंगे, ताकि आप समझ पाओ कि आपको क्या मिलने वाला है। और जब हमने इसे पहनकर देखा, फिटिंग काफी ज्यादा अच्छी आ रही थी। लुक में भाई कहना ही नहीं है, क्योंकि कलर है भाई बवाल। ये एक मस्ट हैव कलर है। अगर आपके वार्डरोब में एक नेवी ब्लू कलर का पोलो शर्ट नहीं है ना, ऐड करिए और जादू देखिए कि आप कितने खूबसूरत लगने वाले हैं। ये प्रोडक्ट अंडर 500 का है। कलर्स देखने को मिल जाएंगे एंड डेफिनेटली इसके लिए हंस के जा सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट हम ब्रांड देख रहे हैं भाई डमेंस। अब तक आपने इनका अंडरवेयर और लॉन्जवेयर ही पहने होंगे, ये भाई पोलो शर्ट्स भी लाते हैं। डमेंस का आपको टैग देखने को मिल जाएगा एंड जस्ट लुक एट द कलर भाई। हम पूरे वीडियो में आपको कलर की इन्फॉर्मेशन, प्रिंट एंड डिजाइन की इन्फॉर्मेशन एंड फिटिंग की इन्फॉर्मेशन भी देते ही जाएंगे, ताकि आप समझदारी से खरीदारी भी करो और समझदार भी बनो। ब्राउन कलर का ये ओवरऑल पोलो शर्ट है, लेकिन कॉलर को देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा डार्कर शेड का ब्राउन यूज किया गया है, जो कि ओवरऑल एक खूबसूरत सा लुक ऐड कर रहा है इसमें। यहाँ पर आपको नीटेड कॉलर देखने को मिलेगा और प्लास्टिक का यहाँ पर जिप मिलता है। जिप की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। हालांकि मेटल का होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन वो भी बात है कि अगर मेटल का होता तो यहाँ पर वो ब्राउन कलर का नहीं हो पाता। ओवरऑल लुक के साथ काफी अच्छे से जा रहा है। शॉर्ट स्लीव आपको देखने को मिल जाएगा, एंड में आपको हेम देखने को मिलेगा, नीचे में आपको साइड साइड में कट्स देखने को मिल जाएंगे, एक पैच देखने को मिल जाएगा डमेंस की ब्रांडिंग के साथ। और बहुत ही अजीब सी बात क्या है, यहाँ पर इन्होंने रबर का पैच यूज किया गया। भाई बुद्धि घास तरने गई थी, इतने खूबसूरत से प्रोडक्ट में ऐसा रबर पैच कौन देता है। यहाँ पर यूज हुआ 52% कॉटन, 48% रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर, ये काफी अच्छी बात है। एंड ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। एक वर्ड में कहूँ, अगेन पहनने में बहुत ज्यादा लाइट वेट, प्रीमियम फील होता है। और जो डमेंस का एक इमेज है ना, वो ब्रांड का रिफ्लेक्शन ना इस प्रोडक्ट पे आता है। वही लाउंज वेयर कंफी फीलिंग आपको इसमें मिलेगी। इसके आपको एक्स्ट्रा 3 और कलर्स भी देखने को मिल जाएंगे एंड प्राइस 1500 रुपए के आसपास की है। ऑलराइट, नेक्स्ट ब्रांड आता है हमारा भाई हाइलैंडर की तरफ से, एंड ये काफी खूबसूरत एक पोलो शर्ट है भाई। हाइलैंडर का आपको एकदम बड़ा सा टैग देखने को मिल जाएगा। इनके टैग्स ना काफी भद्दे से होते हैं इतने बड़े, जबकि इतना जरूरत नहीं होता है। ये पोलो शर्ट मरून कलर का है। नॉर्मल से आपको कॉलर देखने को मिल जाएगा, प्लास्टिक के आपको बटन देखने को मिल जाएंगे। और मस्त बात क्या है, ये पूरा शर्ट निटेड फैब्रिक से बना हुआ है। हालांकि फैब्रिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको एंड में देता हूँ, सुनकर जाना, क्योंकि निटिंग यूज हुई है। यहाँ पर आपको बहुत सारे खूबसूरत पैटर्न एंड डिजाइनिंग देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ आपको हेम देखने मिल जाएगा, शॉर्ट स्लीव देखने को मिलेगा और एंड के तरफ भी आपको हेम वाली डिटेलिंग देखने को मिलती है। ओवरऑल जब हमने पहन कर देखा भाई, लुक काफी ज्यादा प्रीमियम आ रहा था। जो निटेड फैब्रिक होते हैं ना, वो थोड़े से स्ट्रेची टाइप के होते हैं, तो अगर आप उसे सही साइज में खरीद लोगे ना, तो आपके बॉडी को एकदम से हग कर लेते हैं। और अगर आपकी बॉडी अच्छे शेप में होगी, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लगोगे। हालांकि आपका भाई पेट दबा कर खड़ा था, ये बात कहने वाली है। ओवरऑल इट्स अ मस्ट हैव प्रोडक्ट, अगर आप मेरी बातों को नहीं सुनोगे तो, क्योंकि यहाँ पर एक दो छोटी मोटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि काफी मेजर है। पहली चीज, निटिंग के लिए जो यहाँ पर मटेरियल यूज हुआ है वो है 100% एक्रेलिक। एक्रेलिक बेसिकली वूल का अल्टरनेट होता है। और जब हमने इसे पहन कर देखा, इसका फैब्रिक स्किन में थोड़ा थोड़ा सा चुभ रहा था, लेकिन अगर आप उतना झेल सकते हो, इसकी प्राइस 600 रुपए के आसपास की है और एक एक्स्ट्रा कलर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा ब्रांड है भाई रेयर रैबिट। बहुत सारे लोगों का फेवरेट ब्रांड एंड पर्सनली मुझे भी इसके कपड़े काफी अच्छे लगते हैं। ये है एक बहुत खूबसूरत सा ब्लैक कलर का पोलो शर्ट, और देखते साथ इस पोलो शर्ट को आपके दिल से एक बात निकलेगी, परफेक्ट। क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें काफी ज्यादा यूनिक है। जैसे यहाँ पर आपको एक बटन डाउन कॉलर देखने को मिलता है, जो कि यूजुअली किसी पोलो शर्ट्स में नहीं होता। साथ ही दूसरे पोलो शर्ट्स में आपको 2 बटन्स या मैक्सिमम 3 बटन्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर, लेकिन इस पोलो शर्ट में आपको 4 छोटे-छोटे बटन्स देखने को मिलते हैं। इसमें आपको ब्रांडिंग भी मिल जाएगी। लेफ्ट चेस्ट पे आपको एक पैच देखने को मिलेगा, जहां पर रेयर रैबिट की ब्रांडिंग की गई है। साइड में एम्ब्रॉयडरी वर्क है, मतलब परफेक्शन में ना प्रोडक्ट पे काफी अच्छे से
ध्यान दिया जाता है। शॉर्ट स्लीव आपको देखने को मिल जाएगा, एंड में यहाँ पर कोई आपको हेम नहीं मिलता। नीचे की तरफ से भी काफी सॉलिड है, काफी प्रीमियम है, और यहाँ पर भी आपको कट नहीं मिलता, विच अलाउज अस कि आप इसे टक इन या टक आउट दोनों कर सकते हो। पर्सनली मुझे टक इन करके पहनना ज्यादा पसंद है पोलो शर्ट इन कैमरा, क्योंकि बाकी समय तो भाई मैं शॉर्ट्स में घूमते रहता हूँ। एंड ओवरऑल अगर पूरे पोलो शर्ट में कुछ स्टैंड आउट कर रहा है ना, तो वो है इसके बटन्स को हटाते साथ दिखने वाला पर्पल कलर। भाई एक छोटी सी चीज है लेकिन इतना ज्यादा इंपैक्ट डाल रही है ना ओवरऑल लुक पे कि मैं बता नहीं सकता। एंड दो चार वर्ड्स में इसके लिए बस बोलना चाहूंगा कि ये सिंपल होते हुए भी समहाउ बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है, एंड पहनने के बाद आप वो राजा बाबू वाला ना फीलिंग जरूर लोगे। इसके आपको टोटल 8 कलर्स देखने को मिल जाएंगे जिसे आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, और इसकी प्राइसिंग 1800 रुपए के आसपास की है। ये सारे ऑनेस्ट वर्ड्स, ये सारे ऑनेस्ट ओपिनियंस हम इसलिए बोलते हैं ताकि आपकी शॉपिंग अच्छी हो सके। बस दिल से चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें सब्सक्राइब एंड लाइक करके। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पोलो शर्ट का ब्रांड है भाई लुई फिलिप, एक और बहुत फेमस, वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड। ब्रांड टैग आपको देखने को मिल जाएगा, काफी लग्जरी लगता है, और ये टैग आपको बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलेगा। जहां पर मिल गया समझ लो कि वहां पर कलर वलर पे धांसू काम किया गया है। ये एक पर्पल कलर का पोलो शर्ट है, यहाँ पर आपको कॉलर देखने को मिल जाएगा जिसे हेम से बनाया गया है। दो आपको बटन देखने को मिल जाएंगे विद द ब्रांडिंग, शॉर्ट स्लीव मिलता है, एंड में भी आपको वही हेम वाली डिटेलिंग देखने को मिलेगी। और बॉटम की तरफ देखोगे तो पीछे वाले भाग को थोड़ा सा बड़ा बनाया गया और फ्रंट वाले को थोड़ा सा छोटा। एंड ओवरऑल पूरे पोलो शर्ट में ना आपको ऐसे बॉक्सी बॉक्सी से ना छोटे छोटे बहुत छोटे पैटर्न्स देखने को मिलेंगे जो कि अगेन खूबसूरत लगते हैं। लेफ्ट चेस्ट पे आपको ब्लैक कलर से एम्ब्रॉयडर्ड एक लुई फिलिप की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। बैक से पूरा प्लेन है। ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो, डेफिनेटली परफेक्शन आता है भाई इन सारे प्रोडक्ट्स को पहनने के बाद। और एग्जैक्ट अगर कॉम्पोजिशन की बात करें, यहाँ पर यूज हुआ है 100% कॉटन, ऐसा ब्रांड बोलती है। जब हमने इसे फील किया ना भाई, ये काफी ज्यादा स्ट्रेची, काफी ज्यादा स्मूथ एंड प्रीमियम मटेरियल फील होता है। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि इसमें 100% कॉटन तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ थोड़ा सा ब्लेंड है जिसके कारण से ये स्ट्रेचनेस आ रही है। 1800 रुपए का ये प्रोडक्ट है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई द सोल स्टोर का पोलो शर्ट। काफी दिन हो गए द सोल स्टोर के प्रोडक्ट देखे हुए। द सोल स्टोर का आपको टाई देखने को मिल जाएगा, नौ से आपको कॉलर देखने को मिलता है, यहाँ पर बटन की जगह जिप दिया गया है। मेजरली इसमें आपको दो कलर देखने को मिल जाएंगे, पीच एंड बेज, और दोनों ही कलर ना बहुत सैचुरेटेड नहीं बल्कि मैट मैट से लगते हैं। शॉर्ट स्लीव आपको देखने को मिल जाएगा, एंड में आपको हेम देखने को मिलता है। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हम बहुत दिनों बाद अब सोल स्टोर का एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अब सच बताऊं ना तो प्रिंटेड टी शर्ट्स या पोलो शर्ट्स पहनने का मन ही नहीं करता, क्योंकि प्रिंट्स प्रिंट्स करते करते भाई 2 साल हो गए और अब बोर होने लग गया हूं। अगर आपको 2024 में टी शर्ट्स पहनने हैं, जितना सॉलिड पहनोगे उतना सॉलिड लगोगे। बैक की तरफ से ये पूरा पीच कलर का है, यानी बेज वाली जो डिजाइनिंग है वो सिर्फ आपको फ्रंट में देखने को मिलेगी। ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। साइड में आपको स्प्लिट कट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर यूज हुआ है 95% कॉटन एंड 5% इलास्टीन, यानी ये स्ट्रेच भी होता है। जब तक सारी चीजें अच्छी चल रही होती है ना, तभी ऐसा ऊपर से कोई उल्का पिंड आकर ना बवाल करता है। यहाँ पर इसकी प्राइसिंग लिखी हुई है 1299 MRP, और हमने इसे भाई 1300 रुपए के ऊपर में खरीदा है। पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन जो हुआ है हुआ है, क्या क्या होता है वो जान लो। पूरे पोलो शर्ट को देखोगे ना तो यहाँ पर आपको टेक्सचर्स देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली कलर ब्लैक है, लेकिन हाँ ये टेक्सचर्स काफी डिफरेंट सा लुक ऐड कर रहे हैं। हैंग आउट कोई प्रिंट नहीं है, यहाँ पर भी आपको साइड साइड में कट्स मिसिंग देखने को मिलेंगे। और ये जो पोलो शर्ट है वो थोड़ा रिलैक्स्ड फिटिंग के साथ आता है, लेकिन हाँ ये भी बता दूं कि जितने भी बजट ब्रांड होते हैं ना, उनका ओवरसाइज फिटिंग आपको रिलैक्स्ड आएगा। इन्होंने यूज किया है 100% कॉटन। अब ये पता नहीं भाई, थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है एग्जैक्ट तो कॉटन सा एकदम नहीं लग रहा है। अगर आपको एक टेक्सचरी रिलैक्स्ड फिट टाइप का पोलो शर्ट चाहिए, इसके लिए जा सकती है, और इसकी प्राइसिंग भी काफी अच्छी है, 700 रुपए के आसपास की है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट पहले अलग हो गया, वो प्रोडक्ट है जिसे आपको नहीं खरीदना है 2024 में। मैंने आपको बताया ना, सिखाते भी जाऊंगा। द बियर हाउस का आपको टैग देखने को मिल जाएगा, ब्रांड में कोई कमी नहीं है। ऑलिव ग्रीन का आपको कॉलर देखने को मिलता है, तो आपको बटन देखने को मिल जाएगा, शॉर्ट स्लीव आपको देखने को मिलेगा, एंड में आपको हेम देखने को मिल जाएगा। काफी खूबसूरत पोलो शर्ट है तब तक जब तक ये ट्रेंड में है। अभी फ्लोरल प्रिंट्स प्रिंट्स ये ऑल ओवर प्रिंट्स ये सारी डिजाइनिंग्स ना, मतलब पहन लोगे तो लोग बुरा नहीं बोलेंगे लेकिन अच्छा भी नहीं बोलेंगे, वो वाला सिचुएशन है। 100
100% कॉटन यहाँ पर यूज हुआ है। टेक्सचर ही आपको फील होगा जैसे यूएस पोलो के पोलो शर्ट्स होते हैं। हमने इस वीडियो में यूएस पोलो के पोलो शर्ट्स और वेस्ट साइड के पोलो शर्ट्स वीडियो में नहीं ऐड किया है क्योंकि हम और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते थे। हाल में हमने बहुत सारी पोलो शर्ट्स की वीडियोस की जिसे आप जरूर देखना, बहुत लोगों ने पसंद किया है। ये 2100 रुपए का है, नहीं जाने का। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा ब्रांड है भाई स्निच, और टैग पहले ही गिर गया। ओह आई लव दिस कलर यार। देखो ब्लू कलर तो है ही, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंट मिनिमल सा शेड है जो आपको बहुत पसंद आएगा। नॉर्मल हेम आपको कॉलर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर भी जिप वाला क्लोजर आपको दिया गया है। जिप की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। नॉर्मल से आपको स्लीव्स देखने को मिल जाएंगे, एंड में आपको कफ्स देखने को मिल जाएंगे। हालांकि एक चीज है कि दोनों स्लीव्स की डिजाइनिंग, नीचे हेम की डिजाइनिंग और बैक की पूरी जो डिजाइनिंग है ना, बहुत ज्यादा सॉलिड रखी गई है। और फ्रंट में आपको पूरी टेक्सचर और डिजाइनिंग देखने को मिलेगी। बेसिकली डिजाइनिंग के नाम पर अगेन थैंक गॉड कोई प्रिंट नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत सारे होल्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इतने छोटे हैं कि आपको इसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक दो छाते के बाल निकलकर डिवाइन का गाना गाए, बोलो वो अलग बात। ओवरऑल जब हमने पहनकर देखा, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, प्रीमियम, एंड अगेन कलर की वजह से थोड़ी सी इसमें कूल सी वाइब आती है। डेफिनेटली डे टाइम में, लंच में अगर आप इसे पहनोगे पूरा एकदम तड़का लग जाएगा दोस्तों। हालांकि इसमें भी एक दो अच्छी बात है, बुरी बात है। बुरी बात ये है कि यहाँ पर ब्रांड फैब्रिक को हाइड कर रही है कि क्या यूज करती है क्या नहीं। और अच्छी बात यह है कि ये आपको 1200 रुपए में मिल जाएगा। प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी चीज मिल रही है आपको। ऑलराइट, नेक्स्ट इन द लास्ट पोलो शर्ट आ गया हमारे पास में। ब्रांड का नाम है इनविक्टस, एक और बहुत ही खूबसूरत सा पोलो शर्ट लेकिन एक डिफरेंट स्टाइल के साथ। यहाँ पर आपको ब्रांड टैग देखने को मिल जाएगा, बटन डाउन कॉलर आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर फैब्रिक का कॉलर दिया गया है। नेवी ब्लू कलर का आपको बटन देखने को मिल जाएंगे, शॉर्ट स्लीव मिलता है, एंड में आपको कफ देखने को मिलेगी जहाँ पर नेवी ब्लू एंड व्हाइट कलर का यूज किया गया है। वैसे पूरा पोलो शर्ट व्हाइट कलर का ही है, साइड में आपको स्प्लिट कट्स देखने को मिल जाएंगे। और अंदर एग्जैक्ट इसके फैब्रिक 100% कॉटन, मेड इन इंडिया। ओवरऑल पहनने के बाद जो लुक आ रही है ना, उसमें थोड़ी सी चेंज है क्योंकि ये पोलो शर्ट कैजुअल से ज्यादा ना फॉर्मली बिहेव करता है आपकी बॉडी में। यानी जब आप पहनोगे, इसका कॉलर, इसकी फिटिंग थोड़ी सी फॉर्मल साइड में ज्यादा है। तो डेफिनेटली अगर आपको कोई फॉर्मल पोलो शर्ट चाहिए ना, आप इसके लिए जा सकते हो। लेकिन पोलो शर्ट्स की वही बेस्ट बात क्या होती है कि सारे पोलो शर्ट्स को आप फॉर्मली भी पहन सकते हो, कैजुअली भी पहन सकते हो। और इनकेस अचानक से आपको कोई पार्टी जाना पड़े तो वहां पर ही पहन लोगे तो लोग बुरा नहीं बोलेंगे। एक बार टी शर्ट पहनकर देखो। ऑनेस्ट वीडियो, ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लगा है, मेक श्योर की वीडियो को लाइक करके चैनल को सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय। जय हिंद, पीस, बूम।